दोस्तों, आज हम आपके सामने खामोश फिल्मों के दौर के नामवर अदाकार और हदायतकार होमी मास्टर का जिक्र करेंगे। होमी मास्टर 1901 में मुंबई में पैदा हुए। उनका ताल्लुक एक पारसी घराने से था। 13 बरस की उम्र में अदाकारी का आगाज़ किया। सेठ बालीवाला के मशहूर पारसी थिएटरिकल कंपनी से काम शुरू किया। बाद हज़ार थिएटर से फिल्मी दुनिया में आए। 1921 में बम्बई के एक फिल्मी इदारे कोहिनूर फिल्म कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की और इस इदारे की एक खामोश फिल्म भगत बिदौर में दुर्योधन का किरदार अदा किया। इस फिल्म के हदायतकार के राठौर थे। उसके बाद कोहिनूर की कई खामोश फिल्मों 20वीं सदी, कन्या विक्रिया, मनोरमा, राम मंदलक, सती सोनी और वीर आहिर वगैरह में मुख्तलिफ नौयत के किरदार अदा किए। 1924 में हदायतकारी के शोबे में कदम रखा और कोहिनूर की एक फिल्म काला नाग की हिदायत देने के अलावा इस फिल्म में अदाकारी भी की। इस फिल्म के अदाकारों में सुल्ताना, जुबैदा और होमी मास्टर नुमाया थे। ये एक खूनी इंसान की ज़िंदगी पर बनाई गई सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म थी, जो एक औरत की इज्जत लूट कर उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है। काला नाग का मरकजी किरदार होमी मास्टर ने अदा किया था। उसके बाद होमी मास्टर ने कोहिनूर की कई खामोश फिल्मों की हिदायत दी, जिनमें घर जुवाई, मुमताज़ महल, लंका की लादी, ब्रीफलेस बैरिस्टर, श्री फरहाद, थीफ ऑफ दिल्ली, रिटर्न ऑफ काला नाग, मिशन गर्ल, गुलसनोबर, वीर अंगना, पंजाब लांसर और रणचंदी वगैरह नुमाया हैं। इनके अलावा होमी मास्टर ने LH केरता प्रोडक्शन की एक खामोश फिल्म लक्ष्मी ऑफ लंका की हिदायत भी दी। बोल्टी फिल्मों का दौर शुरू हो जाने के बाद होमी मास्टर इंपीरियल फिल्म कंपनी में आ गए और इस इदारे की एक बोल्टी फिल्म सुभागे सुंदरी की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार प्राण सुख नायक थे। अदाकारों में सलोचना और डी बिलिमोरिया नुमाया थे। ये फिल्म 1933 में रिलीज हुई। 1934 में होमी मास्टर ने इंपीरियल की फिल्मों गुल सनोबर और समाज की भूल की हिदायत दी। इन फिल्मों के मौसीकार प्राण सुख नायक थे। फिल्म गुल सनोबर में मरकजी किरदार सलोचना डी बिलिमोरिया, जुबैदा, चंद्रा और गुलाम मोहम्मद ने अदा किए। फिल्म समाज की भूल में मरकजी किरदार ललिता देवी, जमशेद जी दुलारी, जलोबाई और गजनवी ने अदा किए। फिल्म जादुई बंसरी में मरकजी किरदार सलोचना डी बिलिमोरिया, गोहर कर्नाटकी,
और डब्ल्यू एम खान ने अदा किए। 1935 में होमी मास्टर ने इम्पीरियल की फिल्म दो घड़ी की मौज की हिदायत दी। इस फिल्म की मौसीकी अना साहब मैनकर ने तरतीब दी। मरकजी किरदार सलोचना डी बिली मौर्या, जलो भाई जमशेद जी और गुलाम रसूल ने अदा किए। 1935 में होमी मास्टर ने प्रीमियर सिनेटोन की फिल्म घर जुआई और नया ज़माना की हिदायत दी। इन फिल्मों के मौसीकार जमशेद जी खान साहब थे। फिल्म घर जुआई में मरकजी किरदार नूर जहाँ, हीरा जमशेद जी जमना, गुलाम रसूल और पन्ना ने अदा किए। फिल्म नया ज़माना में मरकजी किरदार जमना, जमशेद जी, जलो भाई, हीरा और गुलाम अहमद ने अदा किए। 1936 में होमी मास्टर ने इम्पीरियल की एक फिल्म ज़ात शरीफ की हिदायत दी। इस फिल्म की मौसीकी प्राण सुख नायक ने तरतीब दी। मरकजी किरदार जमना, जमशेद जी, हीरा, गुलाम रसूल और अली दादन ने अदा किए। इसी साल होमी मास्टर ने बाडिया मूवी ट्यून की एक फिल्म जय भारत की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार मास्टर मोहम्मद थे। मरकजी किरदार हुसन बानो, सरदार मंसूर, मास्टर मोहम्मद जाल खम्बाता और सायानी ने अदा किए। 1937 में होमी मास्टर ने इम्पीरियल की फिल्मों जगत केसरी, न्यू सर्च लाइट और पंजाब लांसर की हिदायत दी। फिल्म जगत केसरी के मौसीकार जमशेद जी खान साहब थे। मरकजी किरदार सलोचना डी बिली मौर्या, जमना जमशेद जी, जलो भाई और गुलाम मोहम्मद ने अदा किए। फिल्म न्यू सर्च लाइट की मौसीकी हकीम फरख और मुंशी शाहिद ने तरतीब दी। मरकजी किरदार सलोचना डी बिली मौर्या, जला भाई, जमशेद जी और गुलाम मोहम्मद ने अदा किए। 1938 में होमी मास्टर ने सुंदर मूवी टून की एक फिल्म छोटे सरकार की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार शांति कुमार डिसाई थे। मरकजी किरदार लीला चिटनस, जाल मर्चेंट, राजकुमारी, पन्ना और जमशेद जी ने अदा किए। 1939 में होमी मास्टर ने पर्ल पिक्चर्स की एक मजाया फिल्म फनकदो फतूरी की हिदायत दी। मौसीकार शांति कुमार थे। मरकजी किरदार जमना, जमशेद जी, वत्सला कमतीकर, अली दादन और हसू जी ने अदा किए। इस फिल्म की तकमील के बाद होमी मास्टर प्रोडक्शन के दीगर शोबों की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। 1946 में एक तवील वक्फे के बाद होमी मास्टर ने सेंट्रल पिक्चर्स की एक स्टंट फिल्म चमकती बिजली की हिदायत दी। इस फिल्म के मौसीकार बसंत कुमार नायडो थे। मरकजी किरदार सलोचना और डी बिली मौर्या ने अदा किए। हिंदी फिल्मों के अलावा होमी मास्टर ने गुजराती जबान की कई फिल्में भी बनाई। उनकी आखिरी गुजराती फिल्म शैतानो सालो थी, जो 1949 में रिलीज हुई। फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट के बाद होमी मास्टर कारदार प्रोडक्शन से वाबस्ता हो गए थे और इस इदारे की फिल्मों में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर खिदमात सर अंजाम देते रहे। होमी मास्टर का इंतकाल 1949 को बम्बई में हुआ। शुक्रिया।